ओके, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। सो आज अपन करने वाले हैं ट्रैवल। मैं जा रहा हूँ पापा मम्मी के साथ एंड शुभी के साथ झांसी, एंड शाम को ताऊ बड़े पापा माँ वगैरह सब आ जाएंगे क्योंकि शादी अटेंड करने जाना है। आगे की बात आगे चल के करता हूँ मैं। सो जो इंडिया चाइना का फर्स्ट वॉर हुआ था उस समय में यहाँ पे आके इंदिरा गांधी जी ने पूजा वगैरह करवाई थी। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है पहले से। एंड अभी यहाँ पे अपन आए हैं पूरा पूजन वगैरह दर्शन करने, पूजन करने एक ही चीज़ है। सो उधर तक पहुँचते मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। एंड अंदर जाके तो कैमरा अलाउड नहीं है, सो अंदर जाके शूट कर नहीं पाऊँगा, फ़ोन रखना पड़ेगा। सो अभी चलते हैं अपन, तो मैं दिखाता हूँ थोड़े सिनेमैटिक्स देख, तब तक एंजॉय करो। ओके, सो अभी दर्शन वगैरह हो गए हैं। एंड आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। एंड आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि रोड पे तक लाइन आ गई थी। जो नहीं तो नॉर्मल तो जो शटर रहती है मंदिर की उसके अंदर ही तक लाइन रहती है नॉर्मल डेज पे। आप जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है, आज सैटरडे है, ऐसा नहीं कि वीक एंड है इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़। सिर्फ सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि सैटरडे को दर्शन वगैरह करने आते हैं लोग का। एंड अंदर जाके इतना पीस मिलाना, मतलब शांति। अरे तू जा रही है, जो कहीं और शायद ही मिले वो अंदर जाके एक महसूस होती है। चाहे तुम नॉर्मल मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं पे भी जाओ, एक पीस मिलता है ना, वो मंदिर में ही जाके मिलता है या किसी भी रिलीजियस जगह पे जाके। सो अभी अंदर दर्शन वगैरह कर लिए, अब इधर आ गए, चाय वगैरह पीते हैं एंड फिर आगे वापस चलेंगे। अब सीधे जाएंगे झांसी क्योंकि यहाँ से और लेट करेंगे तो अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है थोड़ा बहुत, फिर और लेट हो जाएंगे। वैसे झांसी दतिया से इतना पास में एक घंटे का रास्ता है शायद। तो अभी कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, आधा घंटे में निकल जाएंगे एंड 7:30 तक फिर झांसी पहुँच जाएंगे। अंदर दर्शन के लिए भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं पता चाह रहा था कि कैमरा ऑन करके दिखाऊं, लेकिन उधर स्ट्रिक्टली मना था कि कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। लेकिन फिर भी लोग आगे ले जा रहे थे, पर बाहर निकाल के यूज़ करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो उस समय तो मैं यूज़ वगैरह कुछ कर नहीं पाया, पर मैं चाह रहा था कि तुम लोग को दिखाऊं, बट क्या हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अगर ये देखो, ये दिखा देता हूँ एक मिनट। सो तुम लोग भी दर्शन कर लो, ये रही पीताम्बरा माता। सो ये अंदर मूर्ति है माता की, तो इधर बाहर फोटोग्राफी है, और इधर सिर्फ ये सीनरीज की बहुत लंबी लाइन है आगे तक। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं तो ये देखो कितना आगे तक जा रही है। इधर सिर्फ सीनरी कलावा प्रसाद वगैरह यही मिलता है, 1 किलोमीटर की रेंज में यही सब है सिर्फ। तो अब चाय को एंजॉय करते हैं, चाय पीने के बाद फिर चलते हैं। अच्छी चाय यार, एकदम अदरक मार के पूरी तरीके से। तो चाय एंजॉय करते हैं एंड फिर आगे का फिर देखते हैं। चाय पी के यार कसम से मजा सा आ जाता है, इतनी देर से इतनी थकान हो गई थी सीट पर बैठे बैठे, और इतनी हाइट की वजह से ना पैर पूरे टाइम फोल्ड रहे। और ये चाय पी के, मतलब ज़रूरी नहीं ये चाय हो कॉफ़ी हो जो भी तुम्हें पीने में पसंद है, अब कोई ये मत कहना दारू पसंद है, ये भी ठीक है, ठीक है, ये नहीं चलेगा फिर, समझ रहे हो। चाय कॉफ़ी वगैरह पी के एकदम मजा सा आ जाता है, समझ रहे हो, बोलना भी मत। ओके, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ओके, सो अभी फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, नानी का घर है झांसी में। शायद मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया था मेरे को याद नहीं, बट झांसी में मेरी नानी का घर है। सो फाइनली आ गए एंड हालत खराब हो गई है, मतलब पता है कितने घंटे का सफर हो गया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। 3 बजे निकले थे और अब कितने बज गए,
अब बज रहे 7:30। पहले दतिया गए, स्टार्टिंग में और एक चीज हो गई थी कि हम आगे तक निकल आए, फिर माँ के आने का प्लान बना, मतलब मैं ताई जी को माँ बोलता हूँ, सो उनके आने का प्लान बना माँ का, तो आगे से फिर वापस आए, देन उनको लिया, देन फिर गए, तो ये मान लो 1 घंटा उस चीज में लग गया। एंड फिर दतिया गए, दतिया का भी प्लान बन गया, उधर फिर दर्शन किए मैया के, जैसे तुम लोग देख लिया ऑलरेडी। फिर अभी उधर से पहुंचने में 28 किलोमीटर की रास्ता है, सो पहुंच गए, आधा घंटा लगा, लेकिन इधर ट्रैफिक था बीच में, सो और ज्यादा देर हो गए। अब फाइनली पहुंच गए, मैं नानी से मिल लिया, एंड हालत खराब हो गई। अब चाय पीते हैं, मस्त चाय बनवाता हूँ मैं, एंड चाय पियेंगे मस्त, फिर आगे की बात आगे करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।